गांधी और आम्बेडकर को, दोनों को एक दूसरे का विरोधी दर्शाया जाता है, और गांधी जो है वो आम्बेडकर के विरोधी थे और आम्बेडकर गांधी के विरोधी थे, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों की संघर्ष रेशा अलग थी। गांधी को फ्रीडम के लिए, स्वतंत्र के लिए, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के अंतर्गत दलितों की स्वतंत्रता के लिए काम करना था। इसलिए बाकी ऑर्गेनाइज हो ना हो, मगर जो हरिजन है या दलित है उनको ऑर्गेनाइज करने की टॉप प्रायोरिटी थी। संघर्ष रेशा अलग थी। दूसरा है कि प्रायोरिटीज़ टॉप प्रायोरिटी भी जो है अलग थी। देश को स्वतंत्रता तो मिलाना, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रायोरिटी थी कि दलितों को स्वतंत्र करना, और देश को स्वतंत्र करना और दलितों को स्वतंत्र करना, तो टॉप प्रायोरिटी बदल जाती है। इसलिए आक्रामकता भी बदल जाती है। स्वातंत्र्य के लिए आक्रामकता न होते हुए दलितों को स्वतंत्र मिलाने के लिए आक्रामकता बाबा साहेब आम्बेडकर की खासियत थी, और वो गलत था ऐसा मुझे नहीं लगता। और गांधी की ये प्रायोरिटी कि इस देश को स्वतंत्र करना और उस देश की स्वतंत्रता में दलितों का समावेश करना, और इसीलिए प्रायोरिटीज बदल जाती है, आक्रामकता सवालों को लेकर बदल जाती है। इसलिए बाबा साहेब और गांधी अलग नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हर एक के अपने अपने प्रायोरिटीज और अग्रक्रम रहते हैं। लेकिन पूना पैक्ट की वजह से तो दलितों को बहुत नुकसान सहना पड़ा, ऐसा दलितों का कहना है, मगर जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट करते हुए जो कहा है वो उन्होंने उसका जश्न मनाया है उस वक्त, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बीच में, गांधी और मेरे बीच में इतनी समानताएँ है, ये देख के मैं हैरान रह गया हूँ। तीसरी बात यह है कि स्वतंत्र मतदार संघ और रिजर्व मतदार संघ, इसमें अंतर है। स्वतंत्र मतदार संघ जो ब्रिटिश ने मुस्लिमों को दिए थे, उसी वक्त पाकिस्तान की निर्मिति के बीज बोए गए थे, और गांधी फिर से ये नहीं चाहते थे, और इसीलिए दलित सेक्टर अलग करना ये ब्रिटिश का काम था, जोड़ो फोड़ो नीति के अंतर्गत, और गांधी ये नहीं चाहता था कि देश को इकट्ठा करना चाहता था और ब्रिटिश देश को विभाजित करना चाहता था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र मतदार संघ मैं नहीं दूंगा, मैं जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको दुगुना कर दूंगा, और उन्होंने किए। अब बात यह है कि स्वतंत्र मतदार संघ की माने इतना यदि महत्व होता तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर घटना समिति के अध्यक्ष रहे हुए है, तो उन्होंने घटना समिति में उसको प्रादुर्भाव नहीं किया। उनको भी पता था, क्योंकि उस वक्त वो राजकीय मुद्दा था, दोनों ने अपने अपने ये लगाए, और ब्रिटिश के जो ये है कारनामे है उसको अपोज करना गांधी का लक्ष्य था, और इनको ये था कि प्रायोरिटी उस इसको मिलेगी। और स्वतंत्र मतदार संघ का अर्थ ये भी था कि मैं जिस जाति या धर्म का हूँ उसी जाति धर्म के लोग मुझे वोटिंग करेंगे। यदि इस देश में ऐसा होता कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुस्लिम मुझे वोट करेगा, तो साफ ये है कि मैं बाकी अन्य धर्म की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दलित या हरिजन हूँ और हरिजन ही मुझे वोट करेंगे। तो ये विभाजन ही एक तरीके से होता था, ये विभाजन गांधी को नहीं चाहिए था, और बाबा साहेब उस पर आग्रही रहे, मगर बाबा साहेब ने पीछे अपना ले लिया और करार कर लिया। इससे काफ़ी नुकसान हो गया ऐसा आभास तैयार किया जाता है, मगर इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है।